नमस्ते, वाओ क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सर्दी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों को जो होता है सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, और सर्दी जुकाम होते ही बच्चे बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है, यानी कि उनको फीवर आने का डर रहता है या फिर और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। अगर आपको भी लगता है कि सर्दी अब बहुत ज्यादा है और बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम उनका बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको छोटा सा उपाय है जो आपको सर्दियों के मौसम में तो जरूर करना चाहिए। यानी कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे शेयर करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें, और इसे अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक करें। सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण बच्चों का हम पूरी तरह से केयर तो करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार गीले हो जाते हैं या फिर बच्चों को सर्दी हो जाती है। और सर्दी होती ही और बच्चे जैसे कि गीले हो गए तो सर्दी लग गई, बच्चों को थोड़ी हवा लग गई तो भी सर्दी जुकाम हो गया, यानी हम उनको कितना भी कवर करके रखते हैं लेकिन बच्चे फिर भी सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। हमें बच्चों को किस तरह से ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से बच्चों की सर्दी में बिल्कुल आराम रहे या फिर उनको सर्दी लगे ही नहीं, उनके शरीर के अंदर पूरा गर्माहट रहे, हमें ऐसे उपाय करने चाहिए। तो इस सर्दियों के मौसम में अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, आपको काफी फायदा। आपका बच्चा जैसे कि 4-5 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, तो आप उसे ऊपर का दूध जरूर देते होंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको अच्छे से कवर कर देंगे, उनको ढक करके हम रजाई में लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे बड़े हो जाने के बाद ना तो पानी में जाने से रुकेंगे, ना ही वो टोपा लगाना पसंद करेंगे, अपने कान को ढकना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, स्वेटर भी अगर आप उसे पहनाओगे तो वो उसे उतारने के लिए जिद करेंगे, तो इस तरह से उनको ठंड लगी जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, जैसे कि 5 ईयर हो गया, 8 ईयर हो गया, 12 ईयर हो गया, कितने भी साल का बच्चा है, आपको क्या करना है, सर्दियों के मौसम में 1 सप्ताह के अंदर 2 दिन बच्चों को हल्दी वाला दूध देना है, शाम के टाइम देना है या फिर सुबह के टाइम, तो आप दोनों टाइम दूध दे सकते हैं, और उसमें बिल्कुल हल्की सी हल्दी आपको मिक्स करनी है। यानी कि अगर आप उसे 2 दिन सप्ताह में पिलाएंगे हल्दी वाला दूध तो आप देखेंगे कि बच्चे के शरीर में गर्माहट है, उससे बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि हल्दी वाला दूध बच्चों को सप्ताह में 2 बार दीजिए, जिससे कि बच्चों को ठंड बिल्कुल ना लगे, सर्दी उनको बिल्कुल परेशान ना करे, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े। अगर बच्चे पूरी तरह से नहीं पहनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहना कर रखिए और उनके अच्छे से मसाज। वाले दूध के बहुत सारे फायदे होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे तो आप उसे हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा और सर्दी से भी वो बचाए। हल्दी का प्रयोग एक एंटीबायोटिक के रूप में होता है, तो आप इस तरह से हल्दी का दूध बच्चों को देंगे तो एंटीबायोटिक का काम करेगा, बच्चों का सर्दी कफ जुकाम उसको खांसी कुछ भी नहीं होएगा। तो आप इस तरह से उसको हल्दी वाला दूध दीजिए, जिससे कि बच्चों के शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो इस सर्दी के मौसम में आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो आप एक नियम बना लीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर आपको 2 दिन हल्दी वाला दूध बच्चों को जरूर पिलाना है, जिससे कि आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।